तो फील्ड गेम फैमिली आज का गेम प्ले बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि आज सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट कैरेक्टर्स टीम अप नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि रे मिस्टीरियो, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन के वो पुराने कैरेक्टर्स हैं जिस कैरेक्टर में वो फर्स्ट टाइम WWE में नजर आए थे। और यहां तक कि मैंने रोमन ली की भी खोज के डाउनलोड कर लिया है, तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि रोमन रेंस का पहले नाम रोमन ली की था और NXT में वो अलग टाइप से आते थे जैसा आपको अभी फोटो दिख रहा है, और बस कुछ ही देर में रोमन ली की परफॉर्म करते हुए भी नजर आएंगे। चलो फेल गेम फैमिली आज के गेम प्ले किया जाए स्टार्ट, और आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि किसका पास्ट और प्रेजेंट कैरेक्टर मिलकर बाकी की तीन सुपरस्टार्स की टीम की धज्जी उड़ाने वाला है। तो आज के गेम प्ले में बहुत मजा आएगा, और तब तक फेल गेम फैमिली को क्या करना है, एकदम फटाक से वीडियो को करना है लाइक, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, फेल गेम फैमिली की मेंबर बन जाओ। और मैं आपको फिर से याद दिला दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं 5 तारीख को लाइव शाम में 7 बजे। अच्छा, इस मैच में फॉल्स काउंट एनीवेयर भी है, यानी कि रिंग के बाहर भी कोई सेफ नहीं है। दोनों रैंडी ऑर्टन गए ब्रॉक लेसनर के पीछे, और दोनों रे मिस्टीरियो भिड़ चुके हैं रोमन रेंस से, और ये जिस रे मिस्टीरियो को रोमन ने गिलिटी लगाया था ना, जामुन कलर वाले रे मिस्टीरियो, उनका नाम है रे मिस्टीरियो जूनियर। इसी कैरेक्टर में पहली बार रे मिस्टीरियो नजर आए थे। यार रैंडी ऑर्टन को पड़ गया F5, फर्स्ट एलिमिनेशन, कहीं रैंडी ऑर्टन की टीम से ना हो जाए। पूछो वाले ऑर्टन का एलिमिनेशन नहीं हुआ है। अच्छा, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा जिनके भी पुराने वाले कैरेक्टर्स है ना, अभी रोमन लिकी का तो मेरे को पता नहीं, वो तो आज ही आ रहा है, लेकिन ये देख लो ब्रॉक लेसनर का पुराना कैरेक्टर, वो ज्यादा खतरनाक है। उधर रैंडी ऑर्टन ने भी RKO लगा दिया है जवान वाले ऑर्टन ने। अरे रोमन ने ऑर्टन का पिनफॉल बचा लिया, ये दोस्ती नहीं, नहीं, नहीं। रोमन को खुद मारना था इसलिए पिनफॉल बचाया है। सारे सुपरस्टार्स रिंग के अंदर, भाई ट्राइबल चीफ को वाइपर ने लगा दिया है RKO, और उधर गिलिटीन लगा दिया है रोमन ली की। गिलिटीन कब से देने लगे, ओए ये चीटिंग है रोमन ली की। शील्ड के बिग डॉग बनने से पहले रोमन रेंस रोमन ली की हुआ करते थे NXT में, ट्राइबल चीफ का पिनफॉल नहीं हुआ। दोनों रोमन पिट रहे, और उधर दोनों ब्रॉक लेसनर डोमिनेट करते हुए रे मिस्टीरियो भी सही जा रहे हैं। फर्स्ट एलिमिनेशन तो ऐसा लग रहा है कि रोमन की टीम से हो सकता है। जवान ऑर्टन और जवान ब्रॉक लेसनर भिड़ चुके हैं, और ऑर्टन काफी पिट रहे हैं। अभी सिर्फ रैंडी ऑर्टन और रोमन की टीम पिट रही, ये कैसे हो गया? एक तो रोमन लीकी के साथ डबल टीम अप हो रहा है। स्पीयर लगाया भाई रोमन ने, ट्राइबल चीफ ने स्पीयर लगाया, पिनफॉल ब्रॉक लेसनर कर रहे हैं। वाह रे दोस्ती, जवान वाले ऑर्टन बहुत ज्यादा पिट गया, रोमन लीकी भी बाहर। ट्राइबल चीफ अपनी टीम के लिए मैच को रिकवर करना चाह रहे, लेकिन रे मिस्टीरियो ने पकड़ लिया। ट्राइबल चीफ की दुश्मनी इतनी खतरनाक है ना ब्रॉक लेसनर से, और जगह ध्यान जाता ही नहीं, ये चीज भारी पड़ी रोमन को। अभी रे मिस्टीरियो तो फिनिशर नहीं जा रहे, फ्रॉग स्प्लैश के लिए जा रहे हैं, बूम लग गया, ट्राइबल चीफ एलिमिनेट, फर्स्ट एलिमिनेशन किंग ऑफ 2K बच गए। पता नहीं कैसे रेफरी ने पिनफॉल नहीं किया, लेकिन ट्राइबल चीफ दूसरे फिनिशर के लिए, और यार रैंडी ऑर्टन टैप आउट करने वाले, जवान वाले ऑर्टन टैप आउट कर सकते आई थिंक। अरे कैमरा मैन मेरे भाई, ये टांगों के बीच से दिखाने वाला कौन सा एंगल है? कैमरा मैन ओपी कर लो यार, ये कैसा एंगल था? ऑर्टन अच्छा खासा पिट गया, पिनफॉल हो सकता है, ब्रॉक जा रहे पिनफॉल के लिए, ट्राइबल चीफ बच गए, लेकिन ऑर्टन बचेंगे। फर्स्ट एलिमिनेशन ऑफ द मैच, जवान ऑर्टन गए, और इधर ट्राइबल चीफ बच गए, वॉइस ऑफ, ये तीसरा फ्रॉग स्प्लैश था, लेकिन ब्रॉक लेसनर फॉर्म में थे, ब्रॉक का भी फिनिशर छीन लिया, बैक टू बैक ट्राइबल चीफ ने दो फिनिशर छीना है, अभी आराम से एलिमिनेट हो जाते। रे मिस्टीरियो जूनियर बचे, ऑलमोस्ट एलिमिनेट होते होते बचे हैं। अच्छा ये बात नोटिस कर रहे हो, रोमन लिकी को छोड़कर सबको बॉडी का कोई ना कोई पार्ट डैमेज है, सिर्फ रोमन लिकी डैमेज नहीं है। ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट नहीं होने वाले, अभी ज्यादा पिटे नहीं है ब्रॉक लेसनर, हेड सिर्फ येलो था। ट्राइबल चीफ का सिर्फ एक टारगेट है, देख रहे हो ब्रॉक लेसनर ही के पीछे गए। रोमन ली की भले ही रे मिस्टीरियो को मार दे, ऑर्टन को मार दे, लेकिन ट्राइबल चीफ का ज्यादा ध्यान ब्रॉक लेसनर ही की तरफ रहेगा। अब तो दो दो ब्रॉक है रोमन दोनों में से किसी को भी मार सकते थे। रैंडी ऑर्टन की टीम का एक प्लेयर भले ही एलिमिनेट हो गया है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि ऑर्टन जीत नहीं सकते, अभी भी चांसेस है। रोमन ली की और ट्राइबल चीफ दोनों पिट रहे हैं, ऊपर ब्रॉक लेसनर से, नीचे रे मिस्टीरियो से, और रैंडी ऑर्टन भी नीचे आ गया। ट्रिपल जर्मन सुप्लेक्स पड़ रहा है, बचा लिया रे मिस्टीरियो जूनियर ने, बचाया भाई रोमन ली की। अरे ब्रॉक लेसनर का भी तो एक ही टारगेट है, अगर ट्राइबल चीफ को ट्रिपल जर्मन नहीं दे पाए तो रोमन ली की को सही। ब्रॉक का भी अलग स्वैग चल रहा है मैच के अंदर। ओ भाई दोनों रे मिस्टीरियो ट्राइबल चीफ के पीछे, लगता है ट्राइबल चीफ और रोमन ली की एक साथ एलिमिनेट हो जाएंगे। ये देख रहे हो दोनों रे मिस्टीरियो ट्राइबल चीफ के पीछे, कमुरा लॉक पड़ गया है, लेकिन डैमेज नहीं है रोमन ली की, तो आई थिंक बच जाने चाहिए। ट्राइबल चीफ को देखा क्या खतरनाक भाग किया है, दोनों रे मिस्टीरियो ने घेर लिया था, लेकिन अभी भी दोनों ट्राइबल चीफ के पीछे हैं। नीचे सब एक जुट बना के लड़ रहे, और रोमन और ब्रॉक को हमेशा कोना मिल जाता है रिंग के अंदर। रोमन और रे मिस्टीरियो जूनियर गए,
रोमन के स्पीयर के बाद अब तो एलिमिनेट होना है, एक रे मिस्टीरियो एलिमिनेट होने वाले हैं। बूम, एक रे को एलिमिनेट कर दिया है और रैंडी ऑर्टन आई थिंक F5 पड़ा, ऑर्टन भी गए, दोनों ऑर्टन एलिमिनेट हो सकते हैं इसके बाद। रेफरी तैयार हो जा, रेफरी को आज बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बेचारी की हालत खराब हो गई है। गए ऑर्टन, किक आउट कर दिया ऑर्टन, अभी भी बने हुए मैच में लेकिन अब बहुत ज्यादा वीक हो गए और सामने हियर कम्स द पेन, अब तो गए भाई। ओके बच गए ऑर्टन, अभी भी बचे हुए हैं, ऑर्टन किसी तरह लगे हुए हैं। रोमन लिकी को फिर से पड़ा है कमुरा लॉक, भाई इतना सब कुछ हो रहा है ना मैच में, कहां कहां ध्यान दोगे, रिंग के नीचे भी ध्यान रखो, ऊपर F5 पड़ने वाला है। दोनों ब्रोकलेस था, बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग टाइप से परफॉर्म कर रहे हैं, दो दो पिनफॉल एक साथ, रोमन लिकी एलिमिनेट और इधर रैंडी ऑर्टन भी, मां कसम ब्रोकलेस की परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पे है आज, दोनों ही ब्रॉक की। ऑर्टन को भी एलिमिनेट कर दिया, खतरनाक। तो ब्रॉक के पास एडवांटेज है क्योंकि दो ब्रॉक है और रोमन और रे मिस्टीरियो एक एक है, तो ज्यादा चांस है कि ब्रॉक लेसनर की टीम जीतेगी। चलो देखते हैं कि क्या होता है। और आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि चार रोमन को पहली बार चार ब्रॉक ने हराया था, तो आज क्या रोमन बदला लेंगे या फिर ब्रॉक लेसनर फिर से रिपीट करने वाले हैं जीत का सिलसिला। ओ भाई साहब, ये दो ब्रॉक लेसनर और एक रोमन मिलकर रे मिस्टीरियो के मजे ले रहे, देख रहे हो सब टीम अप बना के खड़ा हो गया। अरे रे, ये गलत बात है, रे के साथ ये गलत हो रहा है, 3-on-1 में पहली बार देख रहा हूं। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ट्राइबल चीफ ब्रॉक लेसनर के पीछे ना जाए और ब्रॉक लेसनर ट्राइबल चीफ के पीछे ना जाए, ये दुश्मनी कभी नहीं खत्म होगी और हम लोग को इसी में मजा आएगा। ब्रॉक अंदर जा रहे, ट्राइबल चीफ का इंतजार है और रे मिस्टीरियो वर्सेस जवान ब्रॉक अंदर चल रहा है। ब्रॉक बहुत गलत टाइम चुना स्टाइल मारने के लिए, अगर रोमन और रे मिस्टीरियो में से कोई एलिमिनेट हो गया ना तब दो ब्रॉक मिलकर एक सुपरस्टार पर चढ़ जाएंगे और तब ब्रॉक लेसनर की टीम जीतेगी। इसलिए अगर रोमन और रे को अपने चांसेस बनाने हैं तो एक ब्रॉक को एलिमिनेट करना होगा, जवान हो या फिर अभी वाला ब्रॉक लेसनर, कोई सा भी। हियर कम्स अ पिन, अरे रे गए, ट्राइबल चीफ गए लगता है, बॉडी अच्छी खासी डैमेज हो गई, ऑरेंज और सर येलो हो गया है, ट्राइबल चीफ की हेल्थ कम हो रही है। ट्रिपल जर्मन सुप्लेक्स के बाद लाल नहीं हुई है बॉडी, चांसेस है कि किकआउट कर सकते हैं लेकिन पिनफॉल हुआ है, थोड़ा लंबा मैच चल गया है। ट्राइबल चीफ अगर सिग्नेचर से चले जाते तो फिर 7 महीने से किंग थोड़ी बने रहते भाई, लेकिन इस महीने रोमन की गद्दी और ज्यादा खतरे में, क्योंकि पता है ना नंबर वन कंटेंडर कौन है, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल यहां देखते हैं कि यहां कौन जीतता है। रे मिस्टीरियो नीचे स्टंड हो गए हैं और ट्राइबल चीफ कमबैक कर रहे हैं अपना, ब्रॉक की बॉडी लाल है, एक ब्रॉक को एलिमिनेट किया जा सकता है। ओके, नीचे वाले ब्रॉक को ज्यादा गुस्सा आया, उन्होंने टेबल खोल दिया है। ट्राइबल चीफ नॉर्मल सबमिशन दे रहे, टैप आउट तो नहीं करना चाहिए पर ब्रॉक लेसनर बहुत ज्यादा वीक हो गए। हियर कम्स द पेन वर्सेस रे मिस्टीरियो, पता नहीं क्या कर रहे हैं, अरे मारना है तो मारो ना, इतना वेट क्यों कर रहे हो। सुप्लेक्स ट्राइबल चीफ को, रोमन लिकी आज थोड़ा सा गड़बड़ा गए, जल्दी एलिमिनेट हो गए थे, आज परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला। रोमन के पास दो दो फिनिशर्स, रे मिस्टीरियो के पास भी दो दो, गिलिटीन छीन लिया ब्रॉक ने, गिलिटीन छीन लिया ब्रॉक के पास, फिनिशर आ चुका है, कमुरा लॉक वापस से छीना, ये हो क्या रहा है। ब्रॉक और रोमन की दुश्मनी में ना इसीलिए मजा आता है, बैक टू बैक फिनिशर छिनाता है। रेफरी आ रहा है और रेफरी की वजह से पिनफॉल छूट गया, रेफरी बिक चुका है भाई, गिलिटीन के लिए जा रहे हैं रोमन, लेकिन ब्रॉक का हेड येलो है, टैप आउट करेंगे ब्रॉक, गिलिटीन लगा दिया, ब्रॉक टैप आउट करेंगे क्या लगता है, चांसेस है कर सकते हैं। टैप आउट करने वाले ब्रॉक लेसनर, फर्स्ट ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट हो गए, तो एक रोमन एक ब्रॉक और एक रे मिस्टीरियो बचे हैं, अब इन तीनों में से किसी एक की टीम जीतने वाली है। ट्राइबल चीफ एक ब्रॉक को एलिमिनेट करके दूसरे ब्रॉक के पीछे आ चुके हैं, गिलिटीन टैप आउट करवाने वाले दूसरे को भी, लेकिन ये टैप आउट करने के मूड में नहीं लग रहा है भाई, ना 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 ना, अभी तक कांपने लगता। हियर कम्स द पेन वाले ब्रॉक लेसनर ज्यादा खतरनाक है, टैप आउट नहीं किया और रे मिस्टीरियो ने पिनफॉल भी नहीं करने दिया, उठा के खड़ा कर दिया है और रे मिस्टीरियो कुछ कर भी नहीं रहे, एक और गिलिटीन बैक टू बैक, भाई हेड लाल है लेकिन टैप आउट नहीं कर रहे। ओ भाई, ये असली पेन वाले ब्रॉक लेसनर है, पर पिनफॉल हो सकता है, पिनफॉल हो सकता है, इसके चांसेस हैं। पिनफॉल देखो जा रहे, ट्राइबल चीफ पिनफॉल होना ही है, कंफर्म है, बैक टू बैक दो पड़ा है, किक आउट कर दिया भाई साहब, ये कौन ब्रॉक लेसनर है भाई, सही में ज्यादा खतरनाक थे। और रोमन का सिग्नेचर भी छीन चुके हैं, रोमन और रे दोनों ब्रॉक लेसनर के पीछे हैं, 2-on-1 हो सकता है ब्रॉक के ऊपर। रोमन जा रहे हैं अंदर आराम करने, रोमन ने बोला कि भाई रे को काम करने दो, रे पता नहीं क्या जॉगिंग किए जा रहे ब्रॉक लेसनर को देखकर तब से, अरे F5 पड़ जाएगा रे, ऐसा सब मत करो। ओहो भाई, हाई फ्लाइंग बनना चाहिए था रे मिस्टीरियो को, तो उल्टा रोमन बन गया हाई फ्लाइंग,
सुसाइड डाइव मार रहे भाई रोबन, ये चल क्या रहा है रे, कुछ उछल उछल की जलवा दिखा रहे, पता नहीं क्या कर रहे, हाई फ्लाइंग बस उछले जा रहे रे मिस्टीरियो, एक ही जगह पे खड़ा होकर रे अंदर आके जलवा दिखाओ। रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर वन मोर टाइम, रे तो पता नहीं बाहर क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं या ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है कि एक आदमी को एलिमिनेट होने तो उसके बाद आऊंगा या फिर कोई अच्छा मौका दिखेगा। ये देखो अच्छा मौका दिख गया रे मिस्टीरियो को, तुरंत आया अंदर और ब्रॉक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रॉक के ऊपर फिर से टू ऑन वन, ब्रॉक को इसका जवाब देना है तो एक आदमी को एलिमिनेट करना होगा, ऐसे किसी के साथ भी टू ऑन वन हो सकता है जिसके तरफ हाथ देख लो। रे मिस्टीरियो को पढ़ने लगी ना, रे के साथ टू ऑन वन हो गया, ट्रिपल थ्रेट की यही बात है, सब एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, तीनों के मन में यही चल रहा है कि तुमने मेरा मूव कंप्लीट नहीं होने दिया, मैं तुम्हारा नहीं होने दूंगा। ट्राइबल चीफ बहुत ज्यादा पिट गए, डबल फिनिशर ट्राइबल चीफ के ऊपर, F5 भी, फ्रॉग स्लैश भी, F5 के लिए उठाओ भाई, ये अच्छा डबल फिनिशर देखने में लगा लेकिन एक्चुअली रे ने एक तरह से बचा लिया ब्रॉक लेसनर के F5 से, फिर से F5, ये ब्रॉक और रे मिस्टीरियो करना क्या चाह रहे, कुछ एपिक होने वाला है आज की वीडियो में, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, ये तीनों ने एक अलग ही पर्सनैलिटी है भाई, ब्रॉक और रोमन को देख लो, रे मिस्टीरियो को देख लो, मतलब कभी भी रे मिस्टीरियो कुछ ऐसा कर सकते हैं ना जो कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, इसलिए देखते रहना गौर से। ब्रॉक और रे के पास सिग्नेचर फिनिशर दोनों है, रोमन के पास ना तो सिग्नेचर है ना ही फिनिशर है। ब्रॉक और रे मिस्टीरियो के टारगेट फिलहाल रोमन है, F5 देने की कोशिश, लेकिन रोमन अपना ही बिजी थे, ब्रॉक ले सब पीछे खड़े हुए, बस मौका मिलेगा ट्राइबल चीफ को, F5 गेम खत्म, ट्राइबल चीफ और लो फिर बच गए, जरा जरा से बच रहे ट्राइबल चीफ, एक और बार ट्राई लेकिन उल्टा ट्राइबल चीफ ने स्पीयर लगा दिया, कसम से मैंने बोला था ना रे एलिमिनेट हो गया और घूम फिर कर लास्ट में बचे हैं ब्रॉक लेसनर और ट्राइबल चीफ, ये दुश्मनी कभी नहीं खत्म होगी, लेकिन क्या आज ट्राइबल चीफ जीतेंगे या फिर द नेक्स्ट बिग थिंग, फिनिशर है पर मौका देंगे रोमन तब ना, रोमन के पास सिग्नेचर आ चुका है, एक सिग्नेचर सुपरमैन पंच पिनफॉल हो सकता है, चांसेस है, चांस ले ही नहीं रहे रोमन, ये तीसरा गिलिटीन नेक्स्ट बिग थिंग ब्रॉक लेसनर को, अब तो टैप आउट करना ही है भाई, अब कोई चांस नहीं है, कितना भी अच्छा खेले अब तो टैप आउट करना ही था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया ब्रॉक की टीम ने लेकिन लास्ट में ट्राइबल चीफ जीत गए, बहुत ही खतरनाक विन, ऑलमोस्ट लग रहा था कि ट्राइबल चीफ स्टार्टिंग में हारने वाले हैं, अगर आप मैच का रिप्ले देखो बहुत मार पड़ी भाई ट्राइबल चीफ को, पता नहीं कैसे बचते रहे और लास्ट में जीत भी गए, बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग। Here is your winner, Roman Reigns. रोमन लिकी का आज डेब्यू था फेल गेम पर, आज परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि आज बहुत सारे एक साथ सब उतर गए थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग को असली परफॉर्मेंस पता चलेगी जब सिंगल्स मैच होगा रोमन लिकी का, तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, सेफ रहो, वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बाय बाय।